हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ फिनफ्लिट। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से समय समय पे नई नई योजनाएं लाती रहती हैं। ऐसे में ही एक LIC की स्कीम है जिसमें आप 44 रुपये प्रतिदिन जमा करके आप 28 लाख रुपये तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो क्या है ये प्लान, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट करने की क्या एलिजिबिलिटी है, हमें कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना होगा, इसके लिए हमें कितना प्रीमियम जमा करना होगा, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ये स्कीम, तो इस स्कीम का नाम है LIC जीवन उमंग प्लान। यह एक LIC की बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। एक नॉन लिंक्ड प्लान है जहाँ पर आपको होल लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है और साथ ही साथ आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने पर आपको 100 वर्षों तक एक फिक्स्ड अमाउंट देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं आखिर नॉन लिंक्ड क्या होता है और होल लाइफ इंश्योरेंस कवर क्या होता है। नॉन लिंक का मतलब होता है ये प्लान स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे मार्केट का उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। होल लाइफ इंश्योरेंस कवर का मतलब है कि ये पॉलिसी होल्डर को पूरे लाइफ तक रिस्क कवर प्रोवाइड करती है। इस पॉलिसी के केस में पॉलिसी होल्डर को 100 वर्षों तक लाइफ कवर मिलती है। ये प्लान उन लोगों के लिए बेहतर है जो इंश्योरेंस कवर के साथ साथ एक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्लान के तहत आपको एक फिक्स्ड प्रीमियम जमा करना पड़ता है और आपको मैच्योरिटी तक या पॉलिसी होल्डर की डेथ ना हो जाए तब तक आपको हर वर्ष सम एश्योर्ड का 8% पैसा मिलते रहता है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्ट करने की एज लिमिट 90 डेज यानी कि 3 महीने रखा गया है। यहाँ पे कोई भी 3 महीने का बच्चा भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्ट करने की एज लिमिट 55 वर्ष रखी गई है। अब जानते हैं कि हमें कितना यहाँ पे मिनिमम और कितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड बाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे मिनिमम 2 लाख रुपये का सम एश्योर्ड बाई करना पड़ेगा और मैक्सिमम इन्वेस्ट करने की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन आप जो भी 2 लाख रुपये से ऊपर का सम एश्योर्ड बाय करेंगे वो हमेशा 25,000 रुपये के मल्टीपल में ही होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 लाख रुपये का सम एश्योर्ड बाय करने के लिए आपको 2 लाख रुपये का पेमेंट एक बार में नहीं करना होता है। अब जानते हैं इस स्कीम के प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में। तो आपको यहाँ पे 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म देखने को मिल जाता है। आप इस स्कीम में अपने प्रीमियम का पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन के कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको प्रीमियम पेमेंट करने के लिए ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। ग्रेस पीरियड डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पेमेंट का ऑप्शन चुना है। अगर आपने मंथली ऑप्शन चुना है तो आपको यहाँ पे 15 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। वहीं अगर आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन का चुनाव किया है तो आपको यहाँ पे 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अब जानते हैं कि हमें कितना प्रीमियम पेमेंट करने पे हमें कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस स्कीम का प्रीमियम का पेमेंट टोटली डिपेंड करता है आपने कितने लाख का सम एश्योर्ड बाय किया है। अगर आप इस स्कीम में मिनिमम 5 लाख रुपये का प्रीमियम बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे मंथली 2,343 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं ईयरली आपको 27,541 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा पहले साल। वहीं दूसरे साल से लेकर 30वें साल तक आपको 2,292 रुपये का मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं ईयरली पेमेंट 26,948 रुपये हो जाएगा। 30 साल का पीरियड खत्म होने पर आपको सम एश्योर्ड का 8% यानी कि 40,000 रुपये हर साल 100 साल तक मिलेगा। अगर 100 साल से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इन्हों एक साथ मिलेगा। अब बात करते हैं इस स्कीम के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। पहला है लोन की फैसिलिटी। आपके पॉलिसी के 3 साल पूरे होने के बाद आपका सरेंडर वैल्यू का 90% तक आपको लोन देखने को मिल जाता है। सेकंड है, ये पॉलिसी आपको 100 सालों तक लाइफ कवर प्रोवाइड करती है। थर्ड, इस प्लान के तहत आपने जो भी प्रीमियम का पेमेंट किया है वो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में डिडक्शन देखने को मिलेगा। फोर्थ, इस योजना पे आपको एक्सीडेंटल डेथ के साथ साथ सेविड डिजिबिलिटी और टर्म राइडर जैसी सुविधा देखने को मिल जाती है। अब जानते हैं इसके कुछ डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनको सारा पैसा उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा।
सेकेंड, अगर पॉलिसी के 5 साल पूरे होने से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड प्लस रिविजनरी बोनस प्लस एडिशनल बोनस तीनों मिलेगा उनके नॉमिनी को। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ राइडर के बारे में। इसमें आपको 5 तरह के राइडर देखने को मिल जाते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट राइडर, सेकेंड है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, थर्ड है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, फोर्थ है क्रिटिकल इलनेस राइडर और पांचवा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स राइडर। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ जैसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने इस वीडियो में जाना LIC जीवन उमंग प्लान के बारे में, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके पॉलिसी टर्म को बारे में जाना है, हमने इसके बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस पॉलिसी की रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं।